विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी धर्मपाल चौधरी ने जनसंपर्क किया और वोट मांगे। विधानसभा एतमादपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान को जनता का अपार समर्थन एवं सहयोग मिल रहा है। जनता उनके साथ तन मन धन से खड़ी है। भाजपा प्रत्याशी धर्मपाल सिंह चौहान ने बताया कि हमारे चंदन नगर, गुलाब नगर, सतीनगर, कालिंदी विहार, नगला रामबल आदि क्षेत्रों में जनसंपर्क कर वोट मांगे। मुझे सभी वर्गों का संपूर्ण आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है और निश्चित ही एतमादपुर विधानसभा से जीत दर्ज करूंगा। विजय सोलंकी, आगरा, समाचार 24। जनता बहुत प्यार दे रही है और जनता की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण का वादा कर रहे हैं। जनता का भरपूर आशीर्वाद। पूर्व में भी आपकी विधायकी में यहाँ पर काम किया गया था, बहुत काम किया गया था हमने। बहुत आपकी बात क्या क्या आपका अभी यहाँ सीवर की जरूरत है, नई डिग्री कॉलेज की जरूरत है, खेल के मैदान की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ध्यान दे रही है। इलाके में कहीं सीवर नहीं है। सीवर हमारा ये प्लान है कम से कम 10 वर्ष तक बना के हर घर को 24 घंटे पानी देने की हमारी योजना है। सरकार उस पर काम भी कर रही है, हम उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और सीवर है या पानी की समस्या है, हमारी ये है कि हम ओवर हेड टैंक हमें कई बनाने पड़ेंगे। केवल 2 ओवर टैंक से पूरे अपने पार को पानी यहाँ पर खराब भी होता है, निकासी नहीं है, काफी जनता यहाँ पर परेशान रहती है। जो भी समस्या हो, चाहे पानी की निकासी की हो, चाहे हर घर पीने के पानी की जरूरत हो, गंगा जल पहुँचने की बात हो, सीवर की बात हो, सब समस्या हमारे सरकार में है और निश्चित रूप से पीने का पानी तो हम 24 घंटे देंगे अपना पानी। अगर हमें विधायक हमें विधायक बनाया जनता ने और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी तो हर घर में 24 घंटे पानी आएगा, वो भी हमें।